मामला हुआ है जिसमें कमरे में बंद कर लिया गया था और उसको छुड़ाया गया, क्या मामला पूरा बता दें। देखिए कल थाना बलदेराय क्षेत्र में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि युवकों में लिफ्ट को मांगने के बाद एक विवाद हुआ और उसमें उस कहासुनी में एक व्यक्ति ने फायर किया, वो फायर दूसरे व्यक्ति के पेट में जाके लगा जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ। आसपास के लोगों ने जब उसको पकड़ना चाहा तो वह व्यक्ति वहाँ से भागकर एक समीप के एक गांव में जाके घुस गया। वहाँ पर जब गांव वालों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने फिर से फायर किया जिससे कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को गले में गोली भी लगी जिससे उसकी मृत्यु हुई। पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पुलिस ने बड़ी उसमें घेराबंदी की। साथ ही ये पुलिस के लिए चैलेंज था कि उस समय ग्रामीणों को भी शांत करना था और उस बदमाश को भी पकड़ना था। पुलिस ने ये काम बड़ा कुशलतापूर्वक किया और इस पूरे ऑपरेशन में जो करीबन 2 से 3 घंटे चला, इस ऑपरेशन में उस व्यक्ति को जिसने फायर किया था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि उसका पहले एक आपराधिक इतिहास भी रहा है, उस पर भी पुलिस, उस पर भी संज्ञान लिया गया है। और इस पूरे प्रकरण में जो ये हुआ है इसमें पुलिस इस पूरे प्रकरण को बड़ा गंभीरता से लेते हुए हम लोग इसमें NSC की भी कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको हम जेल भेजेंगे। सर कितना घंटा लगा उसको पकड़ने में, उसको बाहर? जैसे मैंने बताया लगभग 2.5 से 3 घंटे पुलिस को ये ऑपरेशन चलाना पड़ा। उसमें डबल चैलेंज था, उस व्यक्ति को पकड़ना और ग्रामीणों को उस तरह से वहाँ से हटा के शांत करके वहाँ से उसको निकालना। लेकिन ये अच्छे हमारे सभी ऑफिसर्स वहाँ मौके पर गए और उन्होंने वो कार्य किया, लेकिन अच्छा ये